हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जा रहे हैं खुशियाँ भी तो भी ठीक ठाक हैं। तो आज है 7 मुहर्रम, तो हम बनाए हैं दूध। तो यहाँ पे है 7 किलो दूध लिया हमने, तो उसको गर्म करने रख दिया चूल्हे पे। और मैंने मंगवाए हैं मेवे वगैरह, जैसा वो खोखा है, बादाम है, पिस्ता है, और एक शीशे मंगवाई है, और चीनी वगैरह मंगवाई है, और बाकी जेलिए और किसी भी जो इलायची डलेगी इसके अंदर साबुत इलायची वो मंगवाई है। तो आज 7 मुहर्रम, तो 7 किलो ही दूध है ये। तो जब दूध गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, जो थोड़ा सा गर्म होता है कि साथ ही मिक्स हो जाए। और यहाँ पर है बिरयानी, बिरयानी रात को आई थी हमारे मोहल्ले में से, लेकिन सब सो चुके थे, रात को 11:30 बजे के टाइम आई थी ये। तो खा लेंगे बच्चे, गर्म कर दिए मैंने, ठीक है। और मैंने तो कल बनाई थी रात को दाल बनाई थी, ये भी रखी हुई थोड़ी सी। वो बेटा नहीं नहीं न्याज की होती बेटा, अभी नहीं खोलना, इसमें झूठी डालते बुरी बात है। और ये सारा मैंने बिसौदा मंगवाया इनके पापा से, सारा आटा वगैरह भी मंगवाया, तो बाकी चीनी वगैरह जो जो सामान है इसके लिए अनायास के लिए अलग से मंगवाया है सारा, ठीक है। क्योंकि 7 मुहर्रम को हम लोग बांटते हैं और 10 मुहर्रम को देखो क्या बनाते हैं। तो अभी तो फिलहाल दूध गर्म हो रहा है, अभी मैंने इनके पापा को भेजा, मैंने छोटी इलायची ला दो मुझे। अरे जाओ बेटे, नहीं करता बेटा, बुरी बात होती है, जाओ आओ, उम्र सो गया। तो बारिश को भी बताया हुआ है आज दोपहर तक बारिश आएगी, मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। ये देखो ऊपर छत पे मैं नहीं जा रही थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। ये देखो मौसम भी इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, और जो उम्र है वो सोया हुआ है। और देखो उसको मैंने सुला दिया है कमरे में, आज जल्दी उठ गया था सुबह, वो सो रहा है। तो मैं जब से कह रही दूध गर्म, अभी ला देंगे पापा छोटी इलायची और जेली, जेली मैं बना के जमाने रख दूँगी, जब वो जम जाएगी तो फिर जब दूध ठंडा होगा तो उसमें काट के हम जेली डालेंगे, और जब दूध तकसीम करेंगे तो वो भी आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। जब से होता है दूध गर्म तो फिर आप सब मिलेंगे। मेरे को एक ये वाली जेली मंगवाई है मैंने, और एक ये वाली जेली मंगवाई है मैंने, और दूध गर्म हो चुका है, चूल्हा करते हैं बंद। इसमें डाल दिया मैंने, साफ हट जाओ बेटा पीछे आप, ठीक है। और ये छोटी इलायची भी मंगवाई है, और भी पानी गर्म हो चुका है, चूल्हा करते हैं बंद। साहब आप रास्ते में से हट जाओ, मम्मा को तंग नहीं करो, मैं काम करने का आटा मैं पतीली खाऊंगी कि पानी आपके ऊपर गिर जाए। चलो इसमें डालते हैं पानी और जेली डालते हैं। सर अभी तंग नहीं करो, मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करो, ये बन गई स्ट्रॉबेरी की। सर पीछे हट जाओ, पानी बहुत गर्म है, ये जब जमती जब देते हैं। नानी के बाद आई फिर आगे से लाए, नानी के तो 50 रुपए भी लेता ही है ये। एक स्ट्रॉबेरी की और एक किसकी बनाना की, दूध गर्म हो गया, मैंने ढका हुआ इसको, ठीक है, ताकि ठंडा हो जाए दूध। और ये जेली जम गई है, ये देखिए अच्छी जम गई है, और एक ये वाली जम गई है, ठीक है। अब इनको रख दूँगी मैं डीप फ्रीजर में, और अभी ये हल्की सी कसर आई थी गीली है ना, अभी तो इनको रख देती हूँ मैं डीप फ्रीजर में, और बाकी जो पिस्ते वगैरह हैं इनको मैं अच्छी तरीके से कूट लूँगी, काटे के लिए कूट के डालूँगी, ठीक है। और देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से सारे मेवों को कूट लिया, और सब इलायची वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। बस साबुत खोपरा डालेंगे, क्योंकि बच्चे ना फिर वो मुँह से निकाल निकाल के फेंकते भी ज़ाया होता है, तो इसलिए मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया इसके अंदर। और दूध जो है हमारा अभी ठंडा हो रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ रह गई, वो मैंने मंगवाई है, वो है तुकमलंगा, क्योंकि तुकमलंगा जो मेरे पास ये है इस वक्त ये बहुत कम है, मैंने और मंगवाया है अभी, अभी वो लेकर आती हूँ, उसको भिगो देती हूँ, तो शाम तक वो फूल जाएगा, तो फिर शाम में दूध बांटेंगे। मैंने आगे नहीं आना बस, अब ये देखो बर्फ़ तोड़ ली, तुक मलंगा भी भिगोया हुआ था, और सारे मेवे वगैरह भी है, एक जेली ये वाली है और एक जेली ये वाली, और दूध हमारा ये ठंडा हो चुका है, अब दूध बनाते हैं। अब इनके पापा को बुलाया तो फिर दूध बनाते हैं। हाँ बेबी आप पियोगे दूध? अच्छा खा जाएगी, फाड़ जाएगा।
भी हाथ नहीं बेटा। चलो मिक्स करो अच्छे से। टीचर को ये देखो हाँ सामान डालते पहले इसमें कुछ मलंगा डालो। पिसा हुआ खोपरा डाला तो है साबुत नहीं डाला बच्चे निकाल निकाल के फेंकते हैं। नहीं साबुत नहीं आता सारी डल जाएगी ना। हाँ छोटा नहीं है पतीला। नहीं सही है। चलो मिक्स करो हिला हिला के। जेल के बाद डालेंगे जेल ही काट देते हैं पहले। अगर ये रखो जेली तो ऐसे कटेंगी छोटी 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 छोटी। जेली बैठ जाती ना। अच्छी बन गई ना। हाँ वाला वो जो है ना बिरयानी मेरे को ऑर्डर दिया था उनको पैसे देने थे और अभी फिर अभी उसको गोश्त का मना करके आए हैं। अभी आलू छोले की बिरयानी बनवाई है। लूट के लेके बेचारों को हैं। कैसे लोग हैं 50,000 भी गए मोबाइल भी गए बच्चों का सामान भी गया सब चले गया। ये मिलर स्कूल वाली गली नहीं है जो छुट्टी होती है उस गली में ले गए लूट के बेचारे को। बैंक से लेके आ रहे थे पैसे। सोच कर आए ना। हाँ सोच रहा है चला गया मतलब थाने जाना है। मैंने कहा थाने जाओगे तो वही मोबाइल बंद करा देना बस थाने। मैंने कहा 1,000-1,500 रुपये थाने वाले लेंगे फिर बार बार फ़ोन करके बुलाएंगे बोलेंगे लाओ खर्चा पानी भी दे के जाओ। मैंने कहा उससे अच्छा जाओ ही नहीं। हो गया ठंडा है ना। हाँ तकरीबन ठंडा हो रहा है। अभी डालते हैं ना इसको खोलो ये बहुत नहीं बेटा नहीं बर्फ़ वाला पानी है ये पहले उठाओ बर्फ़ वाला पानी फेंक के उसी में नाम लिख दो मिक्स करना फिर मस्त मस्त और डालेगा मज़ेदार और डालूं थोड़ा सा और डालो सही है आधी शीशी से ज़्यादा डल गया। कभी अपन दूध बनाएंगे ना छोटी लच्छी डली है ना इसके अंदर मेवे सारे डाले हैं काजू मिलेगी है काजू खत्म हो गए शार्ट है मतलब लो गिलास दो थोड़ा सा मीठा पहले चख लो अगर चीनी तेज है तो और डाल देते हैं पानी इसमें। नीचे ना गिरे दूध पतीला फुल भर गया। बर्तन ले ले भी छोड़ कर दिया। तू भी आटे का वीडियो आ रही है नीचे बैठ जाएंगी ना जेली ऐसी हलवा बन जाएंगी जैसे नहीं नहीं यानी जेली वो घुल जाती हैं वो आ छोटी काटी होंगी ना ऐसे चलती है दूध के अंदर। ये देखिए दूध बांटना हमने शुरू कर दिया इसके पापा ले गए हैं बाहर और ये बोतलें बना के रखी है मैंने अपनी छोटी सिस्टर की बड़ी की और ये मैंने अपनी बनाई है बच्चों वगैरह की रात को पियेंगे। बेबी कह रहा है बेबी जाऊँगा दूध बांटने ना बाहर जाओगे बेबी अभी कटिंग करवा के आया दिखाओ बाहर दिखाओ वाओ बेबी नीचे कटिंग करा के आया साहब आप दिखाओ अभी कटिंग कटिंग दिखाओ ये देखो साइड भी करवा के आया पूरा बांध लिया
सैफ चलो सैफ चलाओ से तो सही काटे हैं सैफ को ना एक तो तभी संभलता ही नहीं है ऐसे चलाती हूँ मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ ऐसे इधर मुख करो तस्वीर बना के करो सैफ की यारी वीडियो टिकटॉक पर डाल देंगे ना थोड़ा सा पीछे थोड़ा चार आ जाएगा रील बना रहे हो रील बना रहे हो अच्छा भाई पापा के साथ जाओ ना पापा बाल बांटने गए थे बच्चों को बाहर जाता ही नहीं चलिए हमने दूध वगैरह सारा बांध दिया है ठीक है मोहल्ले में सब तकसीम कर दिया है अल्लाह का शुक्र है सारा दूध पूरा हो चुका है सबको पिला विला दिया सबके घरों में भी दे दिया और मैंने अपना किचन पूरा साफ कर लिया क्योंकि मक्खी बहुत ज़्यादा है ज़रा सा भी दूध गिरता है तो फौरन मक्खी आती है तो मैंने अभी फिर अपना किचन भी धो दिया सब सफाई कर दिया अभी सैन की सफाई रह गई है सैन में सिर्फ झाड़ू और पोछा करना है और बाकी किचन मैंने साफ कर दिया एकदम अभी करनी है मुझे शाम के खाने की तैयारी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम लोग ने दूध वगैरह तकसीम कर दिया सात मुहर्रम में ठीक है तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी किया करें तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा कि आपको हमारा दूध कैसा लगा हम लोगों ने पिया हमें तो बहुत मज़े का लगा है ठीक है नियत की चीज़ तो वैसे बहुत अच्छी होती है मैम इमाम हसन हुसैन के नाम की होती है तो मिलेंगे हम शायद इंशाल्लाह ताला कल तो जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ बोल दो अल्लाह हाफिज़